केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कुल्लू जिला पहुंची, जहां कुल्लू जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी विकास खंडों में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ घर द्वार पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, किसान कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। नोडल अधिकारी विकासखंड कुल्लू अनिल धीमान ने कहा कि भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा कुल्लू जिला के चारों ब्लॉकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि चारों विकासखंड में वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार की जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है वो आज 25 तारीख से जो है कुल्लू जिले के जो है चार ब्लॉकों से आरंभ की गई है। उसमें जैसे कुल्लू जिला है, बंजार है, नगर है और बुंतर है। इन चार विकासखंडों में जो है हमारी जो चार बैंस हैं वो चली गई है, और इसी इससे रिलेटेड जो है पहली जो वो बैन है वो ग्राम पंचायत बल में आई कुल्लू विकासखंड से, जो आज हमने इसका जहां जो है शुभारंभ किया है। तो ये जो स्कीम है जो विकसित भारत यात्रा के अंदर जो बैने हैं वो 13 दिसंबर तक जो है सभी ग्राम पंचायतों में कुल्लू विकासखंड के अंतर्गत जो है सभी पंचायतों में घूमेगी। उसके अंतर्गत जो है सरकारी योजना के बारे में जो है सारी अपनी जानकारी देंगे। इसमें सभी विभागों को आमंत्रित किया गया है, और जितने भी विभाग हैं वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जो वहाँ उपस्थित लोग हैं उनके बारे में जानकारी देंगे तथा उनको लाभान्वित भी करेंगे। अगर वहाँ अगर किसी का कोई जैसे मान लो कोई कार्ड नहीं बना है, या आप जैसे आवा कार्ड है या दूसरा जॉब कार्ड है या इससे रिलेटेड और डिपार्टमेंट से संबंधित किसान विकास निधि के कार्ड है वो उसी दिन बढ़ाए जाएंगे। सर मेरा नाम इंदिरा देवी है, और हमारी पंचायत में आज जो ये वैन आई है हमारा संकल्प विकसित भारत, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है इस वैन की, जो विभिन्न पंचायतों में जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी सरकार की स्कीमें हैं ना उनको लोगों तक पहुँचाना, मतलब उजागर करना। गांव की जो जनता उन्हें अच्छे से मालूम नहीं होता, उन्हें अच्छे से जागरूक करना हर स्कीम के प्रति। जैसे स्वास्थ्य विभाग से आजकल आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहे हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, मतलब लोगों को बताना कि ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है इसके माध्यम से लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ों की स्कीमों की जानकारी मिल रही है सरकार की। जो है सरकार का भी यही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी सरकार की स्कीमें आती है उनके लोगों को घर द्वार तक पहुंचाया जा सके। हाँ जी, इसके माध्यम से लोगों को जैसे जानकारी मिल रही है, तो साथ में जैसे आयुष्मान कार्ड है, आभा कार्ड है, वो साथ में बनाए भी जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों को मतलब जैसे विभिन्न आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आभा कार्ड मतलब उनकी जानकारी मिल रही है, तो वो साथ में वो बनाए भी जा रहे हैं जिनका लोग लाभ उठा रहे हैं। जी, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हम इसके जो गवाह बने हैं, और हमें खुशी भी हुई कि ये हमारी पंचायत से बलवन से शुरू हुआ है, और इससे इस यात्रा का जो मेन मकसद है वो लोगों तक जो योजनाएं हैं सरकारी योजनाएं उनको पहुंचाना है। वो ये जो यात्रा है वो ये हर इंसान तक ये जो योजनाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं, और जो लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं इससे पता चल रहा है। हर एक डिपार्टमेंट इससे जुड़ा है, तो हर एक डिपार्टमेंट के लोग आके अपनी अपनी जो जानकारियां हैं वो लोगों तक साझा कर रहे हैं।